ओके बेटा, तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, हमने ये पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने वो सिनेरियो नहीं समझाया, पहले वो समझ लें कि सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इजीली पास्ट पेपर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो पास्ट पेपर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, जो कि सर्कुलर क्यू से रिलेटेड है। ठीक हो गई बात? तो ज़रा जल्दी से जो है वो बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ये है मई जून 2022-41। ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है, इसको जरा जल्दी से डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, उसमें इन्होंने सर्कुलर क्यू की बात की है, और ये पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे ये एंड। सही है, तो जरा जल्दी से शुरू करते हैं बात को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये बात कह रहा है, आ प्रोग्राम यूजेस अ सर्कुलर क्यू। यानी हमें समझ आ गई बात कि यहाँ पर ये क्या होगा, वेरिएबल एक ऐसा होगा जो क्या क्या करेगा, क्यू के अंदर मौजूद प्रेजेंट डाटा का स्टेटस रखेगा। द क्यू इज क्रिएटेड एज 1D एरे। एरे का बेटा क्या नाम है? क्यू एरे विद 10 स्ट्रिंग आइटम्स। इसके अंदर बेटा क्या चीज सेव हुई हुई है? 10 स्ट्रिंग आइटम सेव हुई हुई। यानी इस तरह से ही क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज जो है वो सेव हुई हुई होगी। ठीक हो गई बात बेटा? कह रहा है दैट फॉलोइंग डाटा इज स्टोर अबाउट द क्यू। और कुछ फॉलोइंग डाटा हमने स्टोर किया, जैसे हेड पॉइंटर स्टोर किया है, जिसको हमने इनिशियलाइज किया किसके साथ, जीरो के साथ। टेल पॉइंटर बेटा हमने रखा है, इसको किससे इनिशियलाइज किया है, जीरो के साथ। हेड और टेल क्या है ये सिंपल, हेड किसको रेफर कर रहा है, FOP को, और टेल किसको रेफर कर रहा है भाई? ठीक है जी, वो फर्दर आगे बता भी देगा आई गेस, या इन्होंने रखा हुआ होगा ये सिनेरियो, लेकिन चले कोई मसला नहीं। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम इन द क्यू इनिशियलाइज टू जीरो। अभी अज्यूम कर लिया कि एरे में, अभी हमने एरे के अंदर कोई भी चीज सेव नहीं की है, तो अभी इसको भी हमने बेटा क्या डिफाइन कर लिया है, जीरो ही इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, डिक्लेयर द एरे हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर एंड नंबर ऑफ आइटम्स। तो बेटा हमें चार चीजें क्या करनी है यहाँ पर, डिक्लेयर करनी है। सही है, सो देयर आर फोर थिंग्स दैट वी नीड टू डिक्लेयर। यहां तक बात समझ आती है सर? जल्दी से पाइथन पे चलते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, और जो है वो जो जो चीजें उसने बोली हैं वो हम यहाँ पर जल्दी से अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो हमारे पास एक एरे आ गया, एरे का नाम आपने वही रखना है बेटा जो इसने बोला है, क्यू एरे। ठीक है, और अभी इसने कुछ नहीं बोला, तो अभी हम इसके अंदर इस तरह करके फॉर काउंट इन रेंज, और कितने टाइम्स है, कितने एलिमेंट्स है, 10, तो ये 10 टाइम्स लूप चला। ठीक हो गई बात? अब उसके बाद बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट ऑफ पॉइंटर है हमारे पास, तो FOP इसको क्या इनिशियलाइज कर दिया, जीरो। सॉरी फ्रंट नहीं बोलेंगे हम, इसे हेड पॉइंटर ही बोलेंगे। ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं हेड पॉइंटर इज इक्वल टू जीरो। और फिर एक हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, टेल पॉइंटर इक्वल टू जीरो। सही है बेटा, हेड पॉइंटर आ गया, और क्या आ गया बेटा हमारे पास, टेल पॉइंटर आ गया। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया जीरो से। ठीक है, अच्छा अब बात को जरा समझिएगा, एक और वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, हम इसे क्या नाम दे देंगे बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गई बात, नंबर ऑफ आइटम्स बेटा क्या कर लिया हमने, यहाँ जीरो कर लिया। अच्छा ये काम तो हमने करना था फर्स्ट टाइम, यहाँ तो कोई मसले मसाइल नहीं। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्दर आगे बात को लेके चलते हैं, पार्ट टू के अंदर आया। पार्ट टू में बेटा क्या कर रही है, पार्ट टू के अंदर एक तो इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने सूडो कोड दिया है, और हमसे कहा है कि हमें जो है वो इसको कंप्लीट करना है, और डेफिनेटली कंप्लीट करके हमें इसको पाइथन के अंदर ही करना है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, सर इन क्यू का काम जो है ना वो इधर ही करना है, यानी कि इसके अंदर भी फिल करना है। बेटा इसके अंदर फिल नहीं करना होता, आपको फिल पेपर में ही मतलब जो एक्चुअल कोड है उसी में करना हो। सही है, अच्छा इन्होंने क्या बात बोला भाई, फंक्शन बना रहे हैं हम जिसका नाम क्या होगा, इन क्यू बाय रेफ। का मतलब ये है कि इन्होंने पूरा एरे पास कर दिया, और ये ग्लोबल एरे पास हुआ। सही है, क्यू एरे पास हुआ, हेड पॉइंटर पास हुआ, टेल पॉइंटर पास हुआ, नंबर आइटम्स पास हुआ, और ऐड टू डेटा पास हुआ, जो डेटा क्यू में ऐड करना। भाई कितने पैरामीटर्स आ गए यहाँ पर बेटा, काउंट करें कितने पैरामीटर्स हैं,
वन टू थ्री फोर और फाइव। सही है बेटा, फाइव क्या आ गए हमारे पास यहाँ पर, पैरामीटर्स आ गए जो कि क्या होंगे, जो कि पैरामीटर की वैल्यूज कहलाएंगे। अब हम कहेंगे इफ नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू डैश डैश देन रिटर्न, यानी कि अगर नंबर ऑफ आइटम इसके बराबर होंगे किसी फिक्स वैल्यू के तो क्या रिटर्न हो जाएगा। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब ये है कि अगर हम जीरो रखते हैं, चले पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, कह रहा है द फंक्शन इन क्यू इज रिटर्न इन सूडो कोड, द फंक्शन एड्स टू डेटा टू द क्यू, इट रिटर्न्स फॉल इफ द क्यू इज फुल एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द आइटम इज एडेड। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी बेटा, 10। ऐसे ही है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स क्या होगा, 10 हो गए, तो इसका मतलब डेटा ऐड नहीं होगा, क्या रिटर्न करूंगा बेटा, फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक हो गई बेटा बात यहां तक। और अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे डाटा ऐड करेंगे। डाटा ऐड करने का तरीका क्या भाई, डाटा ऐड करने का तरीका ये कि डाटा टू ऐड यहाँ पर क्या आएगा, टेल आएगा हेड आएगा, टेल पॉइंटर आएगा। सही है बेटा, यहाँ क्या आ गया, टेल पॉइंटर आ गया। इफ टेल पॉइंटर ग्रेटर देन 9 तो टेल पॉइंटर को क्या कर देंगे बेटा, नहीं वो तो नीचे कर दिए, टेल पॉइंटर को 1 नहीं कर देंगे दोबारा से। मैंने बताया था सिनेरियो, याद हो वो लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे कि रीसेट हो जाएगा अगर हमारे पास टेल पॉइंटर क्या हो जाएगा, 5 तक आ गया, उसके बाद वो क्या हो रहा था वहां पे, रीस्टार्ट हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी मैंने यही काम किया। ठीक हो गया बेटा बात, टेल पॉइंट। और अगर नहीं, जैसे टेल पॉइंटर 3 होता है या 4 होता है, तो उसको सिंपल +1 कर देंगे हम। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएंगी, दैट्स इट। समझ आइए बेटा मेरी बात यहाँ तक, यहाँ तक कोई मसले मसाइल। ठीक है, ये मैंने आपको फिल करके दे दिया इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा बेटा देखें, ये कोड हमने लिखा है, ये कोड हमने क्यों लिखा है, अब जरा मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजंस करके दिखा देता हूँ। बेटा ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक प्रोग्राम आ रहा है, ठीक हो गई बात, और राइट साइड के ऊपर भी आपके पास एक कंप्लीट कोड आ रहा है। अच्छा इसका एक काम और हम कर सकते हैं ना, इसका हम एक काम और कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अब आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मैंने ये कोड यहीं पे आपके सामने ओपन कर दिया ताकि मुझे भी आसानी हो जाए समझाने। बेटा देखिएगा, सबसे पहले काम क्या किया था हमने यहाँ पर, लेट मी रिमूव इट। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ क्या बात की थी, सबसे पहले मैंने ये बात की थी आपको कि हम इन क्यू का फंक्शन लिख रहे हैं, सो यहाँ लिख दिया मैंने इन क्यू, ठीक है, डेफ करके पाइथन के अंदर यहाँ फंक्शन लिखते हैं, डेफ करके लिखते हैं बेटा। ठीक हो गई बात। अच्छा यहाँ पर कह रहा है बाय रेफरेंस क्यू पास करेंगे, तो बेटा ये क्यू आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, नंबर आइटम्स आ गया, डाटा टू एड आ गया, सेम वेरिएबल रखेंगे ताकि मसला ना हो। फिर कह रहा है नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू 10 रखा था मैंने, तो यहाँ पर भी मैंने यही काम किया है कि अगर ये 10 के बराबर होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स क्यू हेड टेल और नंबर ऑफ आइटम्स। अब सवाल होगा सर यहाँ पर तो रिटर्न आपने डायरेक्ट कर दिया था फॉल्स, यहाँ पर आप क्यों रिटर्न इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर रिटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो ग्लोबल नहीं, अगर ये ग्लोबल एरे की बात हुई होती ना तो मैं यहाँ पर जैसे ग्लोबल लोकल फंक्शन आपको आने चाहिए इस काम के लिए, कि ग्लोबल में क्या होता है कि अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई चेंज किया है तो वेरिएबल के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है, यानी वो वेरिएबल चेंज हो जाता है, जो अभी इसलिए पिछले वाले कोड में करवाया था मैंने आप लोगों को, बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में मैंने करवाया था ग्लोबल वेरिएबल बेटा, तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा हो।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्लोबल नहीं है तो ये हमने क्यू को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल क्यू क्या हो जाए, अपडेट, जो भेजी थी वही अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, अच्छा रिटर्न अगर नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं। तो मैंने जो भी डेटा ऐड करना है वो टेल वाली पोजिशन पे कर दिया, और अगर टेल किसके बराबर है बेटा, 9 के बराबर है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको 0 कर देंगे। वैसे टेक्निकली देखा जाए ना तो ग्रेटर देन 9 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्टली लिख दें इक्वल टू 9, क्योंकि 9 के बाद उसको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट हो। सही है, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे एल्स के ऊपर, फिर हम देख रहे हैं कि फॉरन से हमने क्या करना है, अगर ये 9 से बड़ा नहीं है, टेल की वैल्यू, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई टेल की वैल्यू हमारे पास है 4, तो अब अगली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, +1 करके वो 5 हो जानी चाहिए, तो बेटा हम टेल को क्या कर देंगे, या +1 कर देंगे। ओके, और फिर उसके बाद एंड में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ पर +1 करना है, ताकि टोटल एरे जो हमारे पास एरे के अंदर साइज है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाए। और उसके बाद बेटा फिर हम यहाँ पे सारी की सारी चीजें ट्रू के साथ भी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो डेटा जो है वो क्यू के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, क्यू के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। सही है, अच्छा ये हमने क्यू रखा है नाम। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, क्यू के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा पहले, तो क्यू एरे, और उसके बाद फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ किसको भाई, इन क्यू करके। और इन क्यू के अंदर मुझे क्या क्या चीजें देनी है, इन क्यू के अंदर मुझे क्यू एरे पास करना है, ठीक है, फिर क्या है हेड पॉइंटर, फिर क्या है टेल पॉइंटर, फिर नंबर ऑफ आइटम्स, और उसके बाद मैं ऐड करने जा रहा हूँ ए, ए ऐड करने जा रहा हूँ। सही है जी, और अब जरा देखिएगा कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है, ये देखिएगा बेटा, ये वाला जो मैंने प्रिंट किया है फर्स्ट वाला, इससे क्या है ये सारी की सारी वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम पे इनक्यू किया तो इनक्यू के बाद जो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरे प्रिंट हुआ है ना, पूरा का पूरा क्या हुआ है, वो सारी की सारी चीजें रिटर्न बैक हुई है ना, तो वो यहाँ पे सारी क्या हो गई, प्रिंट हो गई, ट्रू प्रिंट हुआ साथ साथ, और ये पूरा का पूरा क्या प्रिंट हुआ, एरे प्रिंट हुआ। फिर जीरो क्या है, जीरो हमारे पास है बेटा हेड पॉइंटर, सॉरी हेड पॉइंटर बोल रहा हूँ, जीरो प्रिंट हुआ बेटा हमारे पास, ट्रू आया क्यू, और फिर हमारे पास बेटा एरे की वैल्यू आ गई है, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 1 आ रहा है। अब जरा देखें एक काम मैं और करता हूँ ना आपके लिए, ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए इसको ऐड कर दिया ना डाटा को, मैं काम करता हूँ इन क्यू करके, यहाँ पर इन क्यू इज इक्वल टू क्यू एरे कॉमा हेड पॉइंटर कॉमा टेल पॉइंटर कॉमा नंबर ऑफ आइटम्स। सही है, अच्छा नंबर ऑफ आइटम्स यहां से 0 पास हुई है, तो वहां से रिटर्न बैक हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स भी रिटर्न हो रही है ना, ठीक है, नंबर आइटम्स रिटर्न, यहाँ पे गलती हुई है ना हमसे, यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा ठीक है, जो हमने वहां से वैल्यू पास की है वो यहाँ पर आएगी, ओके इट्स फाइन। अच्छा मैं यहाँ आपको दोबारा से क्या करता हूँ, क्यू एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ बेटा। अच्छा जी 2 मिनट रुके बेटा, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। अच्छा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो स्टेटस आ रहा होगा बेसिकली हमारे पास, जो कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आ रहा होगा कि वैल्यू ऐड हुई है या ऐड नहीं हुई, ठीक है, ये लीजिए स्टेटस क्या है वो भी मैं आप कहेंगे तो यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। स्टेटस में वैसे क्या सेव हो रहा होगा, स्टेटस में आ रहा होगा ट्रू या फॉल्स, अगर वैल्यू ऐड हुई होगी तो ट्रू आ रहा होगा, तो देखें ट्रू आ रहा है। सही है, तो ये बेटा क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट एरे आ गया, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि
क्योंकि वो जब मैं रिटर्न बैक करा रहा हूँ तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है वैल्यू ऐड होने के बाद, ठीक है। और जैसे जैसे मैं वैल्यू ऐड कराता रहूंगा स्टेटस आता चला, ठीक हो गई बात। और देन फिर हमारे पास जो डाटा होगा वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए बेटा देखें तरीका क्या है। तरीका ये है कि और मजीद मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ दोबारा से चलाऊं। अब देखें, अब मैं एक ही जगह रख देता हूँ जी, तो अब देखें जी भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। नाउ यू कैन सी ए आया, फिर क्या आया, जी आया। ओके, तो बेटा आज की क्लास यही रखेंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर हमने डी क्यू करना है सेम फंक्शन के साथ, उसका इन्होंने सूडो कोड नहीं दिया, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इस कोड को कंप्लीट करना, ठीक है। बिल्कुल दिखा देते, सही है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।